हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जिसका बर्गर या फिर जिसका फूड आपने और मैंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में तो खाया ही होगा। एंड सेकेंडली, इस बिजनेस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले जब हम QSR सेक्टर की बात करते हैं, दैट इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, तो QSR सेक्टर की मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल डिस्कस करूंगा, विच इज नोन एज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो व्हाट इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो आपको QSR रिटेल बिजनेसेस और एनी टाइप ऑफ सच बिजनेसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मतलब है कि आपका जो स्टोर है, सपोज करते हैं आज से यहां से 3 साल पहले एक जगह मैकडॉनल्ड्स खुलाओ, एंड 3 साल पहले जो मैकडॉनल्ड्स खुला था उसकी हर साल कितनी ग्रोथ आ रही है, दैट इज व्हाट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ विल टेल अस। नाउ सपोज देयर इज अ मैकडॉनल्ड्स व्हिच ओपनड एट रजौरी गार्डन, एंड इफ दैट मैकडॉनल्ड वाज डूइंग सेल्स ऑफ 1 करोड़ रुपीज पर एनम, दैट वाज इन 2018। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, टुडे दैट मैकडॉनल्ड्स इज डूइंग सेल्स ऑफ 2 करोड़ रुपीज। So between 2018 to 2023, the same store sales growth from that particular store has been almost 15% CAGR. And why is SSSG growth really, really important when it comes to QSR or retail segment? Simple reason is because if a retail outlet or a QSR or a QSR food chain is able to show SSSG growth, it means that the menu is working, more and more people are going to that particular store. And thirdly, that particular store can also take price hikes. And because it is taking price hikes, then at the end of the day, your sales end up increasing. So this is the meaning of SSSG growth. And this is a very, very important mental model whenever you're looking at restaurant businesses, QSR businesses or retail businesses like Trent or any other business. So recently also in the Q4, so this is a homework which you can do. Just find out which QSR chain has reported the best SSSG growth. एंड इस एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि हम जो SSSG ग्रोथ है इसको की मेंटल मॉडल लेके चलेंगे, एंड वील ऑल्सो इंक्लूड स्टोर एडिशन अलॉन्ग विद दिस, ताकि आपको QSR सेक्टर में कभी लाइफ में डाउट ही ना हो। सो विद दिस वील स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। वेस्ट लाइफ ने 2027 तक का अपना विजन साझा किया है। वेस्ट लाइफ ने आगे आने वाले समय में कंपनी के नए आउटलेट्स खोलने की तैयारी की है। मौजूदा जो 337 स्टोर्स है उसको लगभग डबल करने का आपका रोड मैप है। तो हम 4000 से 4500 करोड़ के बीच में सेल करेंगे और हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हम ये कर पाएंगे। तो अगर हम QSR इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स देखते हैं, तो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई SSSG ग्रोथ रेट्स। तो एक तो फाइन डाइन होता है, फिर उसके साथ साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कैजुअल डाइनिंग का, एंड फाइनली QSR का कॉन्सेप्ट होता है। तो फाइन डाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, सपोज इफ यू गो टू फर्जी कैफे, एंड अगर आप फर्जी कैफे जाते हैं तो ऑन एन एवरेज इफ अ कपल इज गोइंग, तो 2000 to 2500 रुपीज का बिल तो आ ही जाएगा। एंड बिकॉज अ कपल इज गोइंग ओवर देयर, तो कपल वहां पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं करेगा, मे बी आफ्टर 3-4 या 5 मंथ्स एक बारी फर्जी कैफे जाएंगे। सो दिस इज वन थिंग टू रिकॉग्नाइज कि फाइन डाइन में आपका जो रिपीट है दैट इज लेस, बट द बिल इज हायर एज कम्पेयर टू अदर फॉर्मेट्स। फिर सेकंड आपका एक कैजुअल डाइनिंग होएगा, एंड कैजुअल डाइनिंग के साथ साथ आपका जो एक और बिजनेस मॉडल आगे रेस्टोरेंट्स में, दैट इज अनलिमिटेड बुफे, तो इसमें बारबेक्यू नेशन आता है। बट अगेन यहां पे भी हो सकता है आप 3 या 4 मंथ्स में एक बार ही बारबेक्यू नेशन जाए, तो यहां पे भी जो रिपीट यूसेज है वो थोड़ा सा कम रहता है। फिर अगर आप QSR चेन्स की बात करेंगे, तो QSR चेन्स में एक चीज क्या है कि एक तो प्राइसिंग बहुत कम होती है, अगर आप डोमिनोज के भी पिज्जाज देखें तो 50 या 80 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। वेयर सिमिलरली अगर आप मैकडॉनल्ड्स के ऊपर जाएं तो मैकपफ आज एक 44 या 45 रुपीज का ही आता है, तो वहां से प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें QSR बिजनेसेस में, तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स विद इट इज कि कंपनी की मेन्यू और प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो यहां पे मैं आपके साथ मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक बार डिस्कस करता हूं। फर्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है यहां पे कि मैकडॉनल्ड्स फॉलोज अ बारबेल प्राइसिंग स्ट्रेटजी मॉडल, या फिर दिस इज ऑल्सो नोन एज अ प्राइस लैडर। तो प्राइस लैडर का क्या मीनिंग है, तो सपोज करते हैं कोई कॉलेज का बच्चा मैकडॉनल्ड्स में जाता है, एंड ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ अलाउंस, क्योंकि बहुत ज्यादा अलाउंस नहीं है, तो यू कैन सिंपली गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड यू कैन हैव अ मैकालू टिक्की, एंड प्राइस फॉर मैकालू टिक्की विल बी समवेयर बिटवीन 50 to 60 रुपीज, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। एंड सिमिलरली अगर एक कॉलेज का बच्चा वापस मैकडॉनल्ड्स जाता है, एंड ही वॉन्ट्स टू बेसिकली हैव गुड फूड बट एट अ लो प्राइस, तो अनदर एग्जाम्पल इज पिज्जा मैकपफ, सो द प्राइस इज ओनली 44 रुपीज।
राइट। अगर चिकन के अंदर कुछ ट्राई करना है तो जो चिकन मैगरिल आता है, सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो जो साउथ एंड वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं आपको वहाँ पे चिकन कबाब दिखेगा, विराज नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया में आपको चिकन मैगरिल दिखेगा। सिंपल रीजन बींग कि दोनों के जो फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स हैं बोथ आर डिफरेंट। थर्डली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और बर्गर आता है नॉर्थ इंडिया में, डायरेक्ट बाय द नेम ऑफ वेज सरप्राइज, एंड ये 70-72 रुपीज़ का है जो स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो माने आपने एक ऐसा मेन्यू लगाया जहाँ से कोई एटलीस्ट आके आपका फूड ट्राई तो करता ही करता है, एंड आपका तो पता नहीं बट मेरा आज भी जो फेवरेट बर्गर है डैट इज चिकन मैगरिल, एंड मैकालू टिक्की भी बहुत सही लगता है। सो डैट इज एन एग्जाम्पल की जो एंट्री प्राइसिंग होती है। फिर हम आते हैं जो मिडिल वाली प्राइसिंग है इसकी तरफ, तो इट्स लाइक अ बारबेल। अगर आप जिम के अंदर बारबेल देखते हैं तो एक साइड पे वेट होता है, एक साइड पे वेट होता है, इस बीच में कनेक्टर होता है। तो अगर आप मिडिल वाली प्राइसिंग में देखते हैं देन यू विल फाइंड कि एक आपको मैकवेजी दिखेगा, एंड मैकवेजी का जो प्राइसिंग है दैट इज 103 रुपीस। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चिकन मैक नगेट्स देखते हैं तो 150-153 रुपीस के चिकन मैक नगेट्स देखेंगे। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई डिजर्ट्स, तो डिजर्ट्स के अंदर भी मैक फ्लरी आती है विच इज फॉर 109 रुपीस, एंड अगेन दिस इज एन ऑप्शन जो एकदम जो मिडिल वाली प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर आता है। वेराज जो डिजर्ट्स हैं इसके अंदर और भी सस्ते डिजर्ट्स आते हैं, जो आपकी जो सॉफ्टी आइसक्रीम्स आती हैं उसमें, सो दैट इज फॉर 35-40 रुपीज़, वो एकदम वापस एंट्री वाली प्राइसिंग के अंदर आ जाता है। ऑल्सो इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मैक चिकन, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जो आपकी जो मिडिल वाली प्राइसिंग है इसके अंदर फॉल करता है, दैट इज मैक चिकन जो चिकन कैटेगरी के अंदर है। तो ये तो हमने देखा कि जो मिडिल वाली प्राइसिंग है इसके अंदर क्या आता है। फिर हम आते हैं थोड़ा सा प्रीमियम एंड की तरफ, क्योंकि बिकॉज वी लिव इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में अभी प्रीमियम एंड पे बहुत सारे बर्गर्स लॉन्च हुए हैं, बट अगर आप वेस्ट एंड साउथ इंडिया से हैं सो यू कैन रियलाइज कि आजकल मैकडॉनल्ड्स के अंदर क्या चल रहा है कि 300 रुपए के भी बर्गर आ रहे हैं, 300 रुपीज के, 350 रुपीज की भी मील्स आ रही है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो रियलाइज व्हेन यू गो टू अ स्टोर ओवर देयर। बट अगर आप नॉर्थ इंडियन मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे चिकन विंग्स इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करे, चिकन में कैटेगरी में लॉन्च करे, चिकन मैक महाराजा 215 रुपीज़ का है, वेज मैक महाराजा 204 रुपीज़ के आसपास का है। वेराज अगर आप चिकन स्पाइसी रैप देखेंगे तो दिस इज फॉर 219 रुपीज़, सो अगेन थोड़ा सा प्रीमियम एंड की तरफ आ रहे हैं। एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट द ऑल्सो इफ यू लुक एट बिग मैक स्पाइसी पनीर रैप, सो अगेन दिस इज फॉर 208 रुपीज़। एंड अगर आप मैक स्पाइसी चिकन को देखते हैं तो ये 180 रुपीज़ के आसपास का है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द बारबेल वर्क्स। तो एक साइड पे आप एंट्री प्राइसिंग से कस्टमर को लेके आ रहे हैं, जैसे जैसे कस्टमर एस्पिरेशनल होते जाते हैं जो इंडिया की मिडिल क्लास हो ही रही है, देन आप धीरे धीरे कस्टमर को बीच वाली कैटेगरी पे लेके आते हैं, एंड फाइनली यू टेक द कस्टमर टू द प्रीमियम एंड कैटेगरी एंड मोर टुवर्ड्स द इंडल्जेंट मील्स। सो दिस इज द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी विच इज ऑल्सो नोन एज अ बारबेल स्ट्रैटेजी और अ प्राइसिंग लैडर, एंड फॉर एनी वन हु इज इन टू बिजनेस सो दिस इज वन ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो आप अपने बिजनेस में भी लगा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कॉफी शॉप्स और मैक कैफे का क्या प्रोमिनेंट रोल आजकल प्ले हो रहा है, एंड साथ साथ स्मॉल एडिशन से मैकडॉनल्ड्स की सेल्स पर स्टोर क्यों बढ़ते जा रही है। जैसे रिसेंटली ज़्यादा दूर नहीं 2015-14-16 के अंदर इनका पर यूनिट या पर आउटलेट स्टोर 3.7-3.8 करोड़ के बीच में होता था, जो क्वार्टर थ्री ऑफ FY23 में ऑलमोस्ट 7 करोड़ पर स्टोर तक पहुंच गया। सो वाई हैज इट डबल्ड नियरली इन लास्ट 6-7 ईयर्स, that is something we need to find out because this will help you to basically realize. So what have been the reasons ki jiski wajah se McDonald's ka per outlet sales badhte ja rahe hain. To yahan pe ek simple explanation hai, first because of gourmet burgers, second because of meal strategy, and third because of McCafe. तो मैक कैफे से स्टार्ट करते हैं कि वाई इज मैक कैफे रियली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द जर्नी ऑफ मैकडॉनल्ड्स इन इंडिया। तो आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज इंडिया की जो यंग जनरेशन है, सो इंडिया इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो फर्स्ट चीज क्या हो रही है कि जैसे ही एक यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आती है सो यू विल सी दैट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री द कंजम्पशन ऑफ कॉफी टेक्स ऑफ। तो ये जो कैफे कल्चर आया है यहाँ पे, इतने सारे स्टारबक्स खुल गए, मोर देन 250 स्टारबक्स खुल गए आज, यहाँ तो थर्ड वेव कॉफी इतनी ज्यादा खुल रहे हैं, ब्लू टोकाई बहुत सारा खुल रहा है, टिम हॉर्टन्स इंडिया के अंदर आ गए, सो दिस इज द बिगनिंग ऑफ कॉफी कल्चर इन इंडिया। एंड व्हाट वी हैव टू रियलाइज इसकी इंडिया आज भी एक एस्पिरेशनल नेशन है, कि आज भी वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर पॉकेट बिफोर वी स्पेंड मनी। तो मैक कैफे का क्या पर्पज है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग मैकडॉनल्ड्स है तो एग्जिस्टिंग मैकडॉनल्ड्स के अंदर 20-25 लाख रुपीज के केपेक्स पे एक आउटलेट खुल जाता है मैक कैफे का।
एंड क्योंकि 20-25 लाख रुपए के केपेक्स पे एक आउटलेट खुल रहा है मैकडॉनल्ड्स का, दैट इज मैक कैफे मैकडॉनल्ड्स के अंदर ही खुल रहा है, तो आपको एक चीज क्या होती है कि आपका रेंट का कोई ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है एज कम्पेयर टू अ स्टैंड लोन स्टारबक्स स्टोर, क्योंकि वहां पे रेंट ही आपका सेल्स का एटलीस्ट 30-35% होगा। एंड मैक कैफे का साइज क्या होता है, 200-250 स्क्वायर फीट के अंदर मैक कैफे खुल जाता है। सो व्हाई इज मैक कैफे रियली इंपॉर्टेंट? फर्स्ट थिंग इज दैट बेवरेजेस एज अ कैटेगरी, अगर आप कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं और एनीथिंग दैट यू ड्रिंक इनसाइड अ रेस्टोरेंट और अ क्यूएसआर, ऑलवेज रिमेंबर कि इन प्रोडक्ट्स का ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है कि अगर आप रॉ मटेरियल का कॉस्ट हटा देंगे तो जो आपके सेल्स में से जब आप माइनस करेंगे तो कंपनी कितना ग्रॉस प्रॉफिट कर रही है, तो उसको हम ग्रॉस मार्जिन कहते हैं। तो बेवरेजेस कैटेगरी में जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है लाइक कॉफी के ऊपर, दैट इज 75-80%। वेरस जो बर्गर्स हैं, बर्गर्स के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 65-67% के बीच में रहता है। सो अगेन अ हायर ग्रॉस मार्जिन कैटेगरी विच हैज बीन एडेड टू मैकडॉनल्ड्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, सो इस वजह से मैक कैफे हो रहा है। अब मैक कैफे का एक सेकेंड पर्पज क्या है कि अगर आप यहाँ प्राइसिंग देखते हैं, कैपेचिनो की प्राइसिंग देखते हैं, देन यू विल रियलाइज कि मैक कैफे के अंदर कोई भी ऐसी कॉफी का प्रोडक्ट नहीं है जो 250 या 300 रुपए का हो। ऑल ऑफ इट इज प्राइस वेरी वेरी रीजनेबली। जैसे मैं आपको यहाँ कॉफी का एग्जाम्पल देखता हूँ, तो हमने एक कोल्ड कॉफी जैसे मंगाई थी, तो दिस कोल्ड कॉफी कॉस्टेड अस बेरली 98 रुपीज। सिमिलरली अगर हम यहाँ स्टारबक्स का मेन्यू देखते हैं, तो स्टारबक्स के अंदर भी स्कटल बट करा था, देन यू विल फाइंड कि एक एवरेज कोल्ड कॉफी 240-250-260 रुपीज़, 300-360 इसके आसपास एक एवरेज वैल्यू जाता है। Even though Starbucks is a pure coffee experience, but as the nation grows and as people become more aspirational, तो इस वजह से coffee consumption बढ़ रही है, and because it's a higher gross margin product, तो McDonald's को उससे फायदा हो रहा है। Because आज McCafe contributes to almost more than 12% of sales of Westlife today, and Westlife की हम बहुत detail में sales breakup भी देखेंगे, but this is why average unit value, जिसको हम AUV कहते हैं, that is sales per outlet for McDonald's or Westlife has been growing। तो ये जो average यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका कहां से कहां तक ग्रोथ हुआ है, अगर आप यहां चेक करेंगे डेटा को, तो 2016 में 3.49 करोड़ के आसपास का था, तो ये सारा डेटा मिलियन रुपीस के अंदर है, तो 3.49 करोड़ का था, जो 2023 के अंदर ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे 6.6 करोड़ के आसपास का हो गया। सो यू कैन जस्ट गेट एन आइडिया दैट पर आउटलेट आपका सेल्स भी बढ़ रहा है। तो पर आउटलेट सेल्स क्यों बढ़ रहा है? फर्स्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सेकेंड बिकॉज ऑफ द रीजन कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आप 2-3% की प्राइस हाइक भी ले लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। थर्ड रीजन इज तो बिकॉज मैं नॉर्थ और ईस्ट इंडिया वाले मैकडॉनल्ड्स मैंने विजिट कर रहे हैं, बट अगर आप साउथ एंड वेस्ट इंडिया के मैकडॉनल्ड्स देखेंगे जो वेस्ट लाइफ के अंडर आते हैं, तो देन यू विल फाइंड कि जो साउथ और वेस्ट इंडिया के मैकडॉनल्ड्स हैं, वहाँ पे अगर इफ़ यू एवर गो टू अ मैकडॉनल्ड्स, तो वहाँ पे मील स्ट्रैटेजी बहुत यूज हो रही है। तो व्हाट इज़ अ मील स्ट्रैटेजी? अगर आप यहाँ पे जो डंबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी देखते हैं, तो मील स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि गोरमे मील में आपको एक पेप्सी, कोक, कोल्ड कॉफी, यहाँ पे जो उनके डिफरेंट ड्रिंक्स के मेन्यू है, दैट इज ऑफर्ड अलॉन्ग विद द बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, एंड दिस इंटायर मील का जो कॉस्ट है वो 350-400 के बीच में पड़ता है। एंड ऑल्सो वेस्ट एंड साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा बर्गर्स के अंदर इनोवेशन हुई है, तो मैक स्पाइसी प्रीमियम वेज एंड चिकन बर्गर लॉन्च हुआ है, राइट, मैक चीज वेज एंड चिकन बर्गर लॉन्च हुआ है, तो मैक चीज वेज एंड चिकन बर्गर की मैं आपको यहाँ पे एड भी दिखाता हूँ, आप ये एड भी देख सकते हैं। Next time. Cheese. McDonald's new McCheese Burger Family. Best enjoyed with your family. And all these gourmet burgers cost at a price that is more than 250 rupees. So this gives you an idea कि कैसे top tier के अंदर आप pricing बढ़ा रहे हैं. And pricing बढ़ा रहे हैं तो आज पहले होता था कि 2-3 burger खाने पड़ते थे, but अब एक burger के अंदर ही like if a person feels full. So again, but the per unit order value या per bill amount that ends up increasing. So this is the importance of getting your menu right, and this is the importance of looking at businesses कि उनका average unit value या per store कितना sales हो रहा है, तो QSR के अंदर एक key metric हो जाता है along with same store sales growth, क्योंकि अगर आप menu को refresh कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर आप नई नई चीजें introduce कर रहे हैं, तो आपका same store sales growth आते रहेगा। Similarly यहाँ पे McDonald's ने एक और चीज launch करी, that is by the name of chicken wings and chicken nuggets तो आते ही हैं, but जैसी chicken wings launch करे South India में, तो साउथ इंडिया में दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग डेटा दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियंस इन इंडिया लिव इन साउथ इंडिया, एंड साउथ इंडिया में चिकन इज लाइक इट गोज विद एवरीथिंग, सो इट्स अ कल्चरल प्रेफरेंस।
तो आई थिंक केरला के अंदर 94-96% पॉपुलेशन चिकन ईटिंग पॉपुलेशन है या नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो पर यूनिट सेल्स, माने अगर एक मैकडॉनल्ड्स लगा हुआ है तो वहां पे 25-50 लाख का, दैट इज 25-50 लाख रुपीज का केपेक्स है टू इंस्टॉल चिकन फ्रायर्स ओवर देयर। बट फ्रॉम वन यूनिट ऑफ मैकडॉनल्ड्स इन साउथ इंडिया यू आर डूइंग सेल्स ऑफ 50 लाख रुपीज, दैट इज प्योरली एट्रीब्यूटेड टू योर चिकन मेन्यू, दैट इज चिकन विंग्स, चिकन नगेट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फ्राइड चिकन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग द मेन्यू राइट। तो ये चीज आपको मैं बेसिक में बिगनिंग में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप बाकी इस टाइम पे QSR चेन्स देखेंगे तो उनमें आपको दिखेगा कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव आ रही है या बहुत लो सिंगल डिजिट आ रही है या किसी केस में तो नेगेटिव भी आ रही है इस टाइम पे। तो ये आप छोटा सा होमवर्क कर सकते हैं, बिकॉज गेटिंग द मेन्यू राइट एंड नॉट टेकिंग फॉर्मेट रिस्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज इन QSR बिजनेस। क्योंकि फॉर्मेट रिस्क के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, तो जैसे अगर आप जुबिलेंट फूडवर्क्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ने हॉन्ग्स किचन खोला टू डाइवर्सिफाई इनटू चाइनीज फूड, देन एक बिरयानी वाला भी एक खोला टू डाइवर्सिफाई इनटू बिरयानी, बट वो सारी चीजें कैन नॉट बी डन अंडर डोमिनोज, बिकॉज डोमिनोज स्टैंड्स फॉर पिज्जा। Whereas when it comes to McDonald's, so format risk is very less. Because format risk के अंदर क्या होता है कि अगर आप chicken wings भी McDonald's के अंदर बेच रहे हैं, अगर आप जैसे जो ये कुकी पड़ी हुई है यहाँ पे कैफे की, अगर आप ये भी मैकडॉनल्ड्स के अंदर बेच रहे हैं, अगर आप कॉफी भी मैकडॉनल्ड्स के नेम के अंदर बेच रहे हैं, अगर आप फ्रेंच फ्राइज जैसे चीजी फ्रेंच फ्राइज भी बेच रहे हैं, जो पिरी पिरी सीजनिंग वाले फ्रेंच फ्राइज भी बेच रहे हैं, सो यू आर नॉट टेकिंग एनी रियल फॉर्मेट रिस्क। सो यू आर नॉट ओपनिंग अ न्यू चेन एट ऑल लाइक इन इट सेल्फ, क्योंकि अगर आप नई चेन खोलते हैं तो वॉट इफ दैट न्यू चेन डजेंट गेट एक्सेप्टेड बाय द इंडियन ऑडियंस, जैसे डंकिन डोनट्स के केस में हुआ, राइट? तो हमने डोनट्स का एक फैड आया था जो एक दो साल लोगों ने खाए एंड देन डोनट्स छोड़ दिए। जैसे अगर आप इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू विल रियलाइज कि वॉफल का भी एक फैड आया था दिल्ली के अंदर आज से 2-3-4 साल पहले, एंड हर एक किसी ने वॉफल की दुकान खोल रही थी। कोई कोई तो रशिया से फ्रेंचाइजी लेके आया था, एक मेरा फ्रेंड ही था, एंड कोई कोई तो कहीं से फ्रेंचाइजी लेके आया था। बट अगेन दोज फैड्स कम एंड गो, बट अगेन द आइडिया इज कि अगर आप फॉर्मेट रिस्क नहीं ले रहे तो यू कैन कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद इन द सेम रेस्टोरेंट। जैसे 2018 में मैकडॉनल्ड्स ऑल्सो लॉन्च राइस एंड चिकन एंड वेज राइस, बट राइस नहीं सक्सीड हुआ मैकडॉनल्ड्स के अंदर बिकॉज दैट वॉज टू मच ऑफ अ फॉर्मेट रिस्क। सो दीज आर की थिंग्स दैट यू हैव टू रियलाइज वेन एवर वी आर एनालाइजिंग अ बिजनेस दैट कम्स टू द QSR सेगमेंट। अब हम जो वेस्ट लाइफ का डेडिकेटेड एनालिसिस है उसकी तरफ चलते हैं, एंड इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो जस्ट स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सो हाउ वाज मैकडॉनल्ड्स स्टार्टेड इन इंडिया? तो अगर आज हम मैकडॉनल्ड्स देखते हैं इंडिया में तो मैकडॉनल्ड्स दो फ्रेंचाइजीज के बीच में डिवाइडेड है। तो एक फ्रेंचाइजी तो आपकी वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड है एंड सेकेंड जो आपकी फ्रेंचाइजी है डेट इज मून बेवरेजेस, जो एक्चुअली में कोको कोला की बॉटलर है। तो जो मून बेवरेजेस है, सो दैट इज अ फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। तो मून बेवरेजेस रिसेंटली फ्रेंचाइजी ओनर बना है बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो गया था पुराने फ्रेंचाइजी वाले साथ। एंड अगर आप वेस्ट लाइफ की बात करते हैं तो वेस्ट लाइफ एक्चुअली में जो वेस्ट एंड साउथ इंडिया है वहां पे फ्रेंचाइजी ओनर है। तो वेस्ट एंड साउथ इंडिया में आज मैकडॉनल्ड्स के ऑलमोस्ट 360 स्टोर्स के आसपास है, वेरियस इफ यू लुक एट नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया तो यहाँ पे क्लोज टू 180 स्टोर्स के आसपास है, एंड 180 में से आई थिंक 30-40 अभी फंक्शनल नहीं है, से यहाँ तो सारे ही फंक्शनल होंगे। बट दिस इज हाउ मैकडॉनल्ड्स इज बेसिकली डिवाइडेड इन इंडिया। एंड अगर आप वैसे मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं, वेस्ट लाइफ की हिस्ट्री देखते हैं, सो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड इन 1982 एंड वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड की एक होली ओन सब्सिडरी है बाय द नेम ऑफ हार्ड कैसल प्राइवेट लिमिटेड। एंड जो हार्ड कैसल सब्सिडरी है, सो उसका एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ था विद मैकडॉनल्ड्स, एंड जो फर्स्ट एवर मैकडॉनल्ड्स खुला था इंडिया के अंदर, सो दैट वॉज ओपन इन 1995, दैट इज इन बांद्रा मुंबई। एंड 3 डेज आफ्टर मैकडॉनल्ड्स ने वहाँ पे जो वसंत लोग यहाँ प्रियाज में मैकडॉनल्ड्स है वो यहाँ पे भी खोला। सो दिस जॉइंट वेंचर वॉज कन्वर्टेड इन टू अ मास्टर फ्रेंचाइजी इन 2010 व्हेन मिस्टर अमित जातिया, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्ड कैसल रेस्टोरेंट्स है, अक्वायर्ड मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन्स 50% स्टेक इन 2012 इन हार्ड कैसल रेस्टोरेंट्स। एंड 2013 में वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का IPO आया एंड हार्ड कैसल वॉज मर्ज इन टू द लिस्टेड ग्रुप कंपनी दैट इज वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, मेकिंग द फॉर्मर अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द लैटर। तो माने ऐसे आपका मैकडॉनल्ड्स इंडिया के अंदर या वेस्ट एंड साउथ इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। अगर आप फर्स्ट चीज देखते हैं कभी भी एक इंडस्ट्री या सेक्टर के एनालिसिस में, और वेन एवर वी आर एनालाइजिंग अ बिजनेस, वी ऑलवेज स्टार्ट विद टोटल एड्रेसेबल मार्केट और द टोटल एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज द टोटल एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी फॉर दिस बिजनेस? सो इफ यू लुक एट नंबर ऑफ मैकडॉनल्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड दैट इज पर पीपल, जैसे इफ यू लुक एट द मैकडॉनल्ड्स इन USA, अगर आप USA के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, सो देर आर क्लोज टू 13,515 मैकडॉनल्ड्स।
दैट इज पीपल पर आउटलेट, माने कितने लोग रहते हैं पर आउटलेट, दैट इज 25,132 इन USA. Whereas कैनेडा में देखते हैं तो 1400 मैकडॉनल्ड्स हैं एंड 27,551 पीपल पर आउटलेट हैं. बट इंडिया जैसी अगर और कंट्रीज की बात करते हैं तो ब्राजील में 1031 मैकडॉनल्ड्स हैं, दैट इज 2,03,828 पीपल पर आउटलेट. Whereas if you look at a country like Philippines, which is also a developing nation, वहाँ पे 700 McDonald's हैं. That is close to 1,63,938 McDonald's per people. Then if you look at China, China में 3,500 McDonald's हैं. That is 4,571 McDonald's per people. Then if you look at Poland, तो Poland में 512 McDonald's हैं. That is 77,472 McDonald's per people. Whereas if you look at the Indian example, तो India में अभी 480 to 540 McDonald's के बीच में. So that is close to 28,97,032 McDonald's per people. तो आज भी इंडिया के अंदर मैकडॉनल्ड्स की जो अंडर पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है. सो ये जो डेटा है ये 2021 तक का है. तो आज भी इंडिया के अंदर मैकडॉनल्ड्स की जो अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है. एंड दिस इज़ द वन ऑफ द रीजन्स कि जब हम वेस्ट लाइफ की कॉन कॉल्स पढ़ते हैं तो उन्होंने कॉन कॉल्स में बार बार हिंट करा है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अंदर 1000 मैकडॉनल्ड्स सिर्फ वेस्ट और साउथ इंडिया के अंदर ही होने चाहिए, बिकॉज हांगकॉन्ग जैसी एक स्मॉल कंट्री के अंदर भी 230 to 235 मैकडॉनल्ड्स हैं. Whereas आज मुंबई के अंदर देर आर क्लोज टू 75 मैकडॉनल्ड्स itself. So this is one of the reasons why कि इंडिया के अंदर आज भी मैकडॉनल्ड्स का टोटल एडजेस्टेबल अपॉर्चुनिटी या टोटल एडजेस्टेबल मार्केट साइज आज भी बहुत ज्यादा है. एंड अगर हम QSR इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कुछ 3,20,000 करोड़ के आसपास है, दैट इज 3.2 trillion इंडियन रुपीज. Whereas इसमें ऑर्गेनाइज मार्केट सिर्फ 32% है एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट 68% के आसपास है. एंड जो ऑर्गेनाइज मार्केट भी है 32% की, एंड मैकडॉनल्ड्स जहाँ पे ऑपरेट कर रहा है दैट इज बर्गर, चिकन एंड डिजर्ट्स. तो 66% ऑफ द ऑर्गेनाइज मार्केट इज द टोटल एडजेस्टेबल मार्केट साइज फॉर मैकडॉनल्ड्स राइट नाउ, अगर सिर्फ ऑर्गेनाइज मार्केट की बात करें. सो दिस इज वॉट मैकडॉनल्ड्स इज केटरिंग टू. एंड इसके अलावा अगर हम चेक करें तो हमने जैसे पर कैपिटा स्टोर्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि इतना पर कैपिटा स्टोर्स और इतना पर कैपिटा स्टोर्स का डिफरेंस है एज कम्पेयर टू इंडिया, USA एंड अदर कंट्रीज. तो ऐसे हम साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की हम लोग ढूंढते हैं. Also, what has been unique जो McDonald's के केस के अंदर है, अगर आप ऑल ओवर द ग्लोब देखें तो McDonald's की जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है. तो जैसे यहाँ पे भी विस्ता फूड आई थिंक इज द वन जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द सप्लाई चेन है. सो अगेन दैट इज वन ऑफ द ग्लोबल वेंडर्स ऑफ McDonald's. सो अगेन McDonald's का बहुत ज़्यादा फूड क्वालिटी पे भी एक ध्यान रहता है. सो अगेन दिस इज एज पर द सप्लायर्स. एंड ऑल्सो अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेरिमेंटेशन देखें तो इनिशियली जब McDonald's आया था तो McDonald's ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेरी फेमस फॉर अ बर्गर बाय द नेम ऑफ बिग मैक. बट बिग मैक के अंदर बीफ होता है एंड बिकॉज इंडियन कल्चर में ईटिंग बीफ इज कंसिडर्ड टू बी फॉरबिडन, तो इंडियन कल्चर के अंदर यू हैड टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट बर्गर्स. तो इसलिए आपने देखा होगा इंडिया में उन्होंने मैकालू टिक्की लॉन्च करा, एंड जो मैकालू टिक्की लॉन्च करा उसकी आपने सॉस भी देखी होगी, वो एक इंडियन स्टाइल की है. दैन चिकन मैकरेल लॉन्च करा, आपने वो भी देखा होगा कि उसकी सॉस भी एक इंडियन स्टाइल की है. फिर साउथ एंड वेस्ट इंडिया के अंदर जो चिकन कबाब बर्गर आता है, सो अगेन बिकॉज लॉट ऑफ पीपल प्रेफर टू ईट कबाब्स इन साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, सो अगेन दैट इज ऑल्सो केटरिंग टू द लोकल नीड्स राइट ऑल द लोकल कल्चर. तो ये एक मैकडॉनल्ड्स ने ये जो इनोवेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट फूड मेन्यूज में करी है. एंड दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज फ्यूचर में इफ मैकडॉनल्ड वॉन्ट्स टू ग्रो सो दे कैन कीप ब्रिंगिंग द फूड ऑप्शंस अब्रॉड टू इंडिया. जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो USA में एक क्रिस्पी चिकन सैंडविच आता है, मलेशिया में ग्रिल्ड चिकन बर्गर आता है, एंड इटली के अंदर सैलेड भी आता है. Whereas इफ यू लुक एट सिंगापुर में ग्रिल्ड चिकन सैलेड, ब्रेकफास्ट रैप चिकन सॉसेज, बटर मिल्क क्रिस्पी चिकन बर्गर. देन अगर आप यहाँ इंडोनेशिया में देखते हैं तो स्पाइसी चिकन फिंगर्स, स्पाइसी चिकन बाइट्स राइट. एंड हांगकॉन्ग के अंदर देखते हैं तो ग्रिल्ड चिकन ट्विस्टी पास्ता भी आते हैं एंड हनी क्रिस्पी थाइज भी आती हैं. ताइवान में देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ बर्गर्स एंड चिकन विंग्स एंड और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्राइड चिकन इज कमिंग. UK में चिकन सेलेक्ट्स आते हैं, जापान में शाका चिकी चिकन क्रिस्प मफिन एंड गोहान चिकन भी आते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट आर ऑल्सो अवेलेबल कि अगर आपको एवरेज यूनिट वैल्यू बढ़ानी है पर स्टोर की सो यू कैन कीप ब्रिंगिंग इन डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. Now before going forward, if you also want to learn कि कैसे हम इंडस्ट्रीज का टोटल एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कैसे हम इंडस्ट्रीज को सेगमेंट करते हैं कि यार कितना अनऑर्गेनाइज है कितना ऑर्गेनाइज है, एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट इज अकाउंटिंग, एंड इसके साथ साथ आपको ये भी सीखना है द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट W's ऑफ इन्वेस्टिंग दैट इज when टू बाय, when टू सेल एंड when टू pyramid, along with the most important question of investing, that is how to value a stock.
Then all these key things are part of one SOIC membership, and in this SOIC membership you will find content which is of more than 50 hours, and also we keep solving the questions every Sunday or every bi-weekly. We have a live webinar, and jitne bhi past webinar and future webinars hai, are part of the SOIC membership. If you want to subscribe for the SOIC membership, you can use the SOIC bonus 10 coupon, which is only valid for the viewers of this video, and link to subscribe is there in the description below. Now coming back to Westlife Food World, एंड और भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकल नीड्स को कैसे कैटर कराए, तो ऑल ओवर मैकडॉनल्ड्स इन इंडिया जहाँ पे वेजिटेरियन फूड बनता है एंड नॉन वेजिटेरियन फूड बनता है किचन के अंदर, बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड एंड देयर इज अ सेग्रीगेशन मेंटेन. सो दिस इज हाउ इट हैज सॉर्ट ऑफ गॉन टू ईच एंड एवरी कंट्री मैकडॉनल्ड्स, एंड हर कंट्री में ऐसे इन्होंने कैटर कराए. अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोर्स हैं मैकडॉनल्ड्स के, वो किस टाइप के, अगर हम वेस्ट लाइफ की बात करते हैं, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टोर्स दैट वेस्ट लाइफ हैज. एक 40% ऑफ देयर स्टोर्स आर इन हाई स्ट्रीट्स, 32% ऑफ देयर स्टोर्स आर इन फूड कोर्ट्स, 20% ऑफ देयर स्टोर्स आर ड्राइव थ्रू इन नेचर, एंड 5-8% ऑफ देयर स्टोर्स आर इन ट्रांजिट इन नेचर. तो फूड कोर्ट्स तो मॉल के अंदर जो होते हैं, हाई स्ट्रीट्स तो जैसे अगर कनॉट प्लेस के अंदर स्टोर है तो डैट इज एन एग्जांपल, अगर मार्केट्स के अंदर स्टोर है तो डैट इज एन एग्जांपल, ट्रांजिट के अंदर जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे होते हैं, एंड ड्राइव थ्रू स्टोर्स तो बेसिकली आप बेसिकली अगर लाइक इफ यू गो टू अ मैकडॉनल्ड्स, तो आप बाहर से ही अपनी कार के अंदर ही टेक अवे करा के यू कैन बेसिकली गो टू योर ऑफिस और योर वर्क. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स दैट दे हैव. एंड स्टोर्स में भी अगर आप ड्राइव थ्रू का या एग्जांपल देखेंगे, मैक कैफे का देखेंगे, या एज ऑफ द फ्यूचर स्टोर्स की बात करेंगे, तो एज ऑफ द फ्यूचर स्टोर्स आज 72% ऑफ द रेस्टोरेंट्स में, एंड यहाँ पे मैं आपको वीडियो भी एक दिखाता हूँ. तो मैं भी अभी एक लाइक रिसेंटली दिल्ली में मैकडॉनल्ड्स गया था, सिमिलरली बैंगलोर एंड मुंबई में भी गया था, वहाँ पे EOTF स्टोर्स थे. तो एज ऑफ द फ्यूचर स्टोर में कैसे है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केओस से आप ऑर्डर कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो देर इज एन ऑप्शन कि जितने भी आपके वहाँ पे टेबल्स और चेयर्स लगी हुई हैं उसके साथ साथ एक लाइक जो चार्जिंग प्लग है वो भी है. एंड साथ साथ अगर आप देखते हैं तो आज नियरली 87% ऑफ द रेस्टोरेंट में मैक कैफे है. तो यहाँ पे मैक कैफे का एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हाउ डज अ मैक कैफे लुक लाइक. तो यहाँ पे मफिन्स भी होंगे, चॉकलेट पेस्ट्रीज भी होंगी, चॉकलेट केक्स भी होंगे, एंड ऑल्सो देर आर मेनी ऑप्शन ऑफ बेवरेजेस. एंड अगर आप कभी प्राइसिंग कंपेयर करेंगे विद लाइक स्टारबक्स और सीएल और सीसीडी तो है नहीं, अगर टिम हॉर्टन साथ कंपेयर करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू प्रोपोजिशन. सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे ड्राइव थ्रू का एक एग्जांपल देता हूँ. तो व्हाट इज़ अ ड्राइव थ्रू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पे फूड ऑर्डर हो रहा है, एंड ऑर्डर होने के बाद यहीं पे बिल पे हो रहा है. बिल पे होने के बाद एक पिकअप का ऑप्शन है जहाँ से आपने फूड पिकअप करा, एंड देन यू कैन बेसिकली टेक योर कार एंड बेसिकली एग्जिट द स्टोर. सो दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स इन विच मैकडॉनल्ड्स हैज सेट अप इट्स स्टोर्स. एंड ये मॉडल समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब फ्यूचर एक्सपेंशंस की बात करेंगे या ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करेंगे तब हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से और मिलेगी. तो यहाँ पे अगर हम मैकडॉनल्ड्स वर्सेज पिज्जा हट वर्सेज डोमिनोज या वर्सेज KFC का कंपेरिजन करेंगे, पिज्जा हट को रिमूव करते हैं इसमें से. सो मैकडॉनल्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड ऑन डाइन-इन्स. डाइन-इन्स का क्या मतलब है कि मैकडॉनल्ड्स का जो स्टोर का साइज होएगा दैट विल यूजुअली बी मच लार्जर देन अ डोमिनोज और अ KFC. एंड अगर अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तो जिस स्टोर के अंदर मैं गया था तो वहाँ पे एटलीस्ट जो सीटिंग कैपेसिटी है दैट वाज क्लोज टू 75-100 सीट्स. आई थिंक उससे भी ज़्यादा अगर लोग आते तो वहाँ पे बैठ सकते थे. बट बैंगलोर के अंदर भी सिमिलर था, जब मैं उस स्टोर के अंदर गया तो वहाँ पे भी एटलीस्ट 75-100 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी. मुंबई में भी जो फीनिक्स पलेडियम मॉल के अंदर मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पे भी सिमिलर है कि एटलीस्ट 80-100 लोगों की बैठने की वहाँ पे कैपेसिटी है. सो मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स आर जनरली लार्जर इन साइज. एंड ऑल्सो अ की डिफरेंस बिटवीन स्टोर्स ऑफ KFC मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल दीज आउटलेट्स इज कि KFC के जो स्टोर्स होते हैं दे आर शॉर्टर लीज इन नेचर. तो माने 4-5 ईयर लीसेज हैं. फिर जो मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स हैं, तो अगर आपने मैकडॉनल्ड्स की मूवी देखी हो द फाउंडर, तो द फाउंडर में तो बोलते हैं कि मैकडॉनल्ड्स इज अ रियल इस्टेट कंपनी. Whereas if you look at McDonald's in India as well, तो यहाँ पे जो इनकी leases हैं, these are 9 or 10 years in nature. तो माने आपकी long term leases हैं, so that you are in one location for a long period of time. So this is some of the key differences. पर KFC के model में क्या superiority है कि near term में आपकी ROC हमेशा superior दिखेगी, क्योंकि आपने ऐसा store बनाया which is like a box. तो आप customer के food experience पे focus नहीं करें, rather than you're focusing on providing quick service to the customer, and also you're focusing a lot more on deliveries. तो आपका capex per store lesser होएगा as compared to McDonald's, and near term ROC will be high. Whereas अगर आप Westlife Food World की बात करते हैं, तो 2013 से 19 तक आपने देखा होगा इस कंपनी के financials उतने अच्छे
अच्छे नहीं है। सिंपल रीजन क्या है, क्योंकि जब आप नए नए स्टोर सेटअप करते हैं, एक एक स्टोर पे आप 4 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहे हैं, 3.5 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आपकी आरओसी जाके अच्छी होने लगेगी, क्योंकि इनिशियली आपको 5-6 ईयर्स का बहुत ज्यादा हिट होएगा लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे एंड बैलेंस शीट के ऊपर। तो सिमिलरली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैकडॉनल्ड्स का आरओसी हैज नाउ स्टार्टेड इंप्रूविंग एंड फाइनली FY23 में देखेंगे तो 15% आरओसी रिपोर्टेड बाय स्क्रीनर तो अब दिखने लग गए। अगर इनकी प्रेजेंटेशंस में जाएंगे तो जब ये सारी चीजें गुडविल और ये सब एडजस्ट करते हैं बैलेंस शीट में तो 30% दिखाते हैं, बट फिर भी आप देखेंगे कि आरओसी हैज नाउ फाइनली स्टार्टेड इंप्रूविंग एंड फ्यूचर गाइडेंस भी क्या है कि 35-40% आरओसी इस बिजनेस का होना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक 4 करोड़ का स्टोर खोल रहे हैं 4 करोड़ रुपीज का एंड योर स्टोर साइज इज नियरली 4 or 5x दैट ऑफ KFC, तो होएगा क्या कि you will require much more time to break even, maybe 2-3 years आपका payback period होएगा, 3 years से पहले payback नहीं होगा, 3-4 years से पहले, तो initially आपके business की economics काफी खराब लगेगी, but over a long period of time, जैसे आपके base stores, माने अगर आपने 350 stores set up करे, जिसमें से अब 250-260 stores are mature in nature and वहाँ पे 8 करोड़ रुपीस की पर स्टोर आप सेल्स कर रहे हैं, तो देन आप जैसे इंक्रीमेंटली स्टोर्स ऐड करेंगे तो आपकी आरओसी पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होएगा। सो दिस इज व्हाट द जंक्चर जिसपे आज वेस्ट लाइफ इस टाइम पे है, क्योंकि अब आपके बेस स्टोर्स बहुत मैच्योर हो चुके हैं तो आपकी इंक्रीमेंटल जो आरओसी आ रही है दैट विल लुक रियली रियली हाई, बिकॉज बेस स्टोर से तो अब 7-8 करोड़ रुपीस पर स्टोर की सेल होने लग गई है। So this is what we have to understand, the finer differences between the business model of KFC and McDonald's. Because McDonald's 9-10 years पे focus कर रहे हैं, whereas KFC का जो business model है 4-5 year leases के ऊपर ज़्यादा based है and size यहाँ पे small है and size यहाँ पे big है। Hopefully आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छी understanding आई होगी। अब हम चलते हैं कि what are the growth triggers in the story and actually इन्होंने क्या कहा था और क्या achieve करा या नहीं करा। तो FY16 में they did a investor presentation. तो इन्वेस्टर डे करा था FY16 में, वेयर दे गेव अ विजन फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, दैट इज FY22 में ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो देखते हैं कि वेदर दे कम लाइक फुलफिल देयर विजन और नॉट। तो FY16 के अंदर जो इन्होंने बेसिकली विजन दिया था, उस विजन में इन्होंने बात करी थी कि कंपनी का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होगा दैट विल बी एट अ 15% रेट पर एनम। तो एक्चुअली में सेल्स का गाइडेंस था 830 करोड़ से 2000-2500 करोड़ की हो जाएंगी, बट फाइनल सेल्स जो का जो नंबर था डेट वॉज 2040 करोड़। सो एक्चुअली में ये तो अचीव हुआ। फिर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी विजन वॉज हाई सिंगल डिजिट्स एंड इन्होंने यहाँ पे 8.5% के आसपास सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिखाई एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोविड, अगेन दिस वॉज अचीव्ड। एवरेज यूनिट जो वैल्यू का गाइडेंस था डेट वॉज की 6 करोड़ रुपीज़ की पर यूनिट स्टोर पर स्टोर सेल होगी, तो एक्चुअली में 6.3 करोड़ तक होगी। फिर नंबर ऑफ स्टोर्स का जो गाइडेंस था डेट वॉज 400-500 एंड एक्चुअली में देवर ओनली एबल टू रीच 337, अभी 360 के आसपास आ गए। सो अगेन दिस गाइडेंस वॉजन रीच बिकॉज ऑफ कोविड एंड इट वॉज स्लोड डाउन। नंबर ऑफ सिटीज का गाइडेंस था मोर देन 45 हो जाएंगे, एक्चुअली में 52 हो गई है। एंड जो मेक डिलीवरी रेस्टोरेंट्स का गाइडेंस था कि कहाँ कहाँ से डिलीवरी होगी डेट वॉज 65-75, बट एक्चुअली में 87 के आसपास हो गई है। एज ऑफ द फ्यूचर स्टोर्स का गाइडेंस था कि 80-100 होंगे, बट एक्चुअली मोर देन 138, तो अब तो 87% हो गए। एंड मेक कैफे का गाइडेंस था 70-75% होंगे, बट रीसेंट क्वार्टर में 87% के आसपास हो गए। एंड रेस्टोरेंट का जो कैश रिटर्न था कि कैश प्रॉफिट्स आप कितना कमा रहे हैं, तो कैश रिटर्न हैज गॉन टू 30% विच वॉज 15% अर्लियर, सो दिस हैज ऑल्सो एक्सीडेड द गाइडेंस। एंड ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस था कि आप कितना कामकाजी मुनाफा कितना अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आप कमा रहे हैं, मार्जिन कितना कमा रहे हैं, that was low to mid-teens and actually they've achieved a guidance of 12.8%. So FY22 वाली guidances तो almost achieve हो चुकी है, but अब इन्होंने recently एक और ऐसी investor presentation करी थी, because हम एक company की जब valuation करेंगे तो हमें इसके लिए बहुत important है कि हम यहाँ से समझे कि एक company कहाँ जा सकती है। तो FY27 का क्या vision है, that sales should be close to 4,000-4,500 crores, high single digit same store sales growth, 1800 करोड़ का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होना चाहिए, 18-20% ऑफ ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन, 40% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आज 15-20% पे दिखता है स्क्रीनर पे, 60% फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन एंड 580-630 रेस्टोरेंट्स जो आज आई थिंक 360 के आसपास है एंड 100% मेक कैफे पेनिट्रेशन। सो दिस इज द फ्यूचर गाइडेंस। अब ये फ्यूचर गाइडेंस तक जाने के लिए व्हाट आर द वेज दैट दे हैव, फर्स्ट वे इज टू हैव मोर एंड मोर स्टोर्स और टू हैव मोर एंड मोर आउटलेट्स। तो FY24 में दे आर ऑल्सो डूइंग मोर देन 200 करोड़ ऑफ केपेक्स फॉर डैट एज वेल एंड इनका जो इस टाइम पे स्टोर काउंट है डैट इज क्लोज टू 360 स्टोर्स, सो 360-630 ऑलमोस्ट 75-80% का जंप इन नंबर ऑफ स्टोर्स विच आर बेसिकली देयर।
सेकेंड वे टू गेट टू दिस गाइडेंस इज टू हैव हायर मार्जिन. तो हायर मार्जिन के लिए क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको मैक कैफे समझाया, गोरमे बर्गर समझाया जो महंगे वाले बर्गर्स ये बेच रहे हैं प्रीमियम बर्गर्स, या मील्स की स्ट्रैटेजी बताई कि शेक्स भी मिलेंगे, कोक भी मिलेगी, फ्राइज भी मिलेंगे एंड जो बर्गर है वो भी मिलेगा एक मील में, एंड चिकन की जो स्ट्रैटेजी बताई. तो इंडिकेटिव मार्जिन प्रोफाइल कुछ ऐसी है, हाइएस्ट मार्जिन मैक कैफे में, सेकेंड हाइएस्ट मार्जिन मील्स में, थर्ड हाइएस्ट मार्जिन चिकन के अंदर है, फोर्थ हाइएस्ट मार्जिन प्रीमियम बर्गर्स के अंदर है, एंड वैल्यू बर्गर्स में उतना ज़्यादा हाई मार्जिन नहीं है. सो टारगेट इज टू इम्प्रूव द लाइक द मार्जिन बाय 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स पर एनम. एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर 2022 में देखते हैं तो 57.8% की थी, 2023 में 36% के आसपास की थी. सो डैट इज विथ सम ऑफ द फाइनेंशियल्स. इसके साथ साथ अगर हम इनके जो रेवेन्यू की बात करते हैं तो आज रेवेन्यू 2278 करोड़ का है, जिसका गाइडेंस है कि 4500 करोड़ तक FY27 में पहुंच जाना चाहिए. एंड व्हाट इज द अदर रीजन फॉर गिविंग दिस गाइडेंस इज टू हैव प्राइसिंग हाइक्स, कि हर साल 2-3% का प्राइस हाइक होना चाहिए जस्ट टू कीप इन लाइन विद द इन्फ्लेशन, कि अगर इन्फ्लेशन अगर इतने से बढ़ रही है तो इनका भी प्राइस हाइक इतने रेट से होना चाहिए. तो अगर आपको मैकडॉनल्ड्स जैसे बिजनेस को वैल्यू करना है तो व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज कि आज क्योंकि इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिप्रेस्ड क्यों दिखता है, क्योंकि नए नए स्टोर्स खुले, मैच्योर हो रहे हैं स्टोर्स, तो डेप्रिसिएशन बहुत हाई है. तो आपको इसको प्राइस टू अर्निंग्स पे नहीं देखना पड़ेगा, यू हैव टू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितने स्टोर्स आ सकते हैं. दैट इज द राइट वे टू वैल्यू थिंग्स, कि स्टोरी क्या है एंड नंबर्स क्या बैकफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. तो स्टोरी तो मैंने आपको समझाई कि कोई फॉर्मेट रिस्क नहीं ले रहे, कॉफी के अंदर आ रहे हैं, प्रीमियम बर्गर्स के अंदर आ रहे हैं, मील्स के अंदर आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो नियरली एडिंग 80% स्टोर्स. तो ये तो स्टोरी की बात होगी, एंड ब्रांड की भी बात होगी. आपको पता ही मैकडॉनल्ड्स इज अ वेरी गुड ब्रांड एंड अ वेरी पावरफुल ब्रांड. नंबर्स क्या है, नंबर्स हैं कि मार्जिन एक्सपैंड होने चाहिए. बेसिकली मार्जिन की जो इन्होंने गाइडेंस दी हुई है कि 18-20% तक ईबिटा मार्जिन इनका होना चाहिए. सो दैट इज अ गाइडेंस ऑन द फ्रंट ऑफ मार्जिन्स. तो पोस्ट इंडेस और प्री इंडेस आपको देखना पड़ेगा कि 15-17% के आसपास इनका मार्जिन होना चाहिए, जो आज 12.8 या 13-14% के आसपास दिखता है. सो अगेन 350 बेसिस पॉइंट्स, दैट इज 3.5% की मार्जिन एक्सपेंशन होनी चाहिए. तो ये तो नंबर्स की साइड है. और क्या नंबर्स की साइड, कि 40% ROC होना चाहिए, 25% ROE होना चाहिए, एंड अगर 4500 करोड़ की सेल है तो नंबर्स पे ये भी है कि 8-10% पैट मार्जिन होना चाहिए. तो आप अज्यूम कर सकते हैं 4500 करोड़ की सेल, उसका 10% पैट मार्जिन, FY27 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट इस बिजनेस में बहुत होएगा. तो क्योंकि इंड एस 116 की वजह से, जिसका आप थ्रेड पढ़ सकते हैं, हमने आपके लिए ट्विटर के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला है. तो अगर 4500 करोड़ पे 10% का पैट मार्जिन है, सो यू कैन अज्यूम कि कैश फ्लो उस केस में कितना हो जाएगा. एंड वी हैव सीन जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ बिटवीन 17-19 कि जब हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रही थी एंड कैश फ्लो बहुत तेजी से बढ़ रहा था एंड फ्री कैश फ्लो जनरेशन हो रही थी, सो वॉट एंडेड हैपनिंग अप विद द बिजनेस एंड द स्टॉक. तो दिस इज अगेन समथिंग दैट वी हैव टू थिंक अबाउट. मैंने आपको वैल्यू करने के सारे तरीके बता दिए, अब यहां से थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो अब यू कैन एटलीस्ट गेट टू द वैल्यूएशन योर सेल्फ. एंड इस वैल्यूएशन मेथड को खुद जरूर ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि एक हाई ग्रोइंग या फिर एक फास्ट ग्रोइंग QSR बिजनेस को इंडिया में क्या PE मिलती है या क्या प्राइस टू कैश फ्लो मिलता है, एंड उसको आप मल्टीपल्स देके अज्यूम करके नंबर साइड से वैल्यू कीजिए. नैरेटिव दे दिया आपको, नंबर्स दे दिया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू एज एन इंडिपेंडेंट व्यूअर, यू जस्ट नीड टू जॉइन देम एंड डू द मेथड योरसेल्फ. So this is with the story, this is with the growth drivers, and this is with the part that is with the growth pointers के, and हमने valuation की भी बात करी कि कैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इस कंपनी का valuation खुद कर सकते हैं. अब हम रिस्क की तरफ आते हैं, क्योंकि रिस्क तो हर एक बिजनेस में होते ही होते हैं, एंड आपको यहाँ पे वीडियो बंद नहीं करनी चाहिए, उल्टा आपको यहाँ पे वीडियो में और ध्यान देना चाहिए और अटेंशन लगानी चाहिए. तो पहला की रिस्क पॉइंटर क्या है बिजनेस के साथ, फर्स्ट की रिस्क इज कि अगर इंडिया में कंजम्पशन स्पेंड का स्लो डाउन हो जाता है, अगर इंडियन कंज्यूमर कम खर्चने लग जाते हैं, तो 2013 और 14 में भी ऐसी एक रिसेशनरी हेडविंड्स आई थी इंडियन QSR सेक्टर में, जब QSR सेक्टर का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फॉर ऑल द कंपनीज फेल ऑफ द क्लिफ, बिकॉज सारे लोग स्पेंड नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, तो ईटिंग आउट का जो एक्सपेंडिचर था डैट ऑल्सो फेल. सो दिस इज फर्स्ट की एंटीथीसिस पॉइंटर. सेकेंड की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है कि आज इनका जो ओन ऐप से ऑर्डरिंग होता है दैट इज 50%, वेयर एज 50% दे आर डिपेंडेंट अपॉन जोमैटो एंड स्विगी. तो अगर जोमैटो एंड स्विगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना टेक रेट्स बढ़ा दें, सो अगेन डिलीवरी बिजनेस में दैट इज वन ऑफ द सेकेंड की एंटीथीसिस पॉइंटर. थर्ड की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या रहता है इस बिजनेस के अंदर, दैट इज द रॉयल्टी रेट्स. तो रिसेंटली इनका रॉयल्टी रेट हाइक होकर 4.5% के आसपास हो गया है,
एंड ऑल्सो इनके पास क्लैरिटी है कि FY26 के बाद ऑलमोस्ट हर साल 50 बेसिस पॉइंट्स दैट इज 0.5% तक की हो सकता है कि जो रॉयल्टी रेट है उसके अंदर हाइक हो. सो अगेन दैट इज अ रिस्क बिकॉज अगर बीच में ही अगर मैकडॉनल्ड्स की जो ग्लोबल ओनर है उन्होंने बीच में बोल दिया नहीं यार 8% रॉयल्टी चाहिए. सो अगेन दैट इज अ की एंटीथीसिस पॉइंटर विच यू ऑल हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन. सो दीज आर सम ऑफ द की एंटीथीसिस पॉइंटर्स दैट वी हैव टू स्टडी. एंड फोर्थ की एंटीथीसिस पॉइंटर जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए हो सकती है कि इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू वैल्यू इट देन अगेन इट्स अ रिस्क फॉर यू बिकॉज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, कॉन कॉल्स को बार बार पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़िए एंड देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ग्रोथ पॉइंटर्स क्या है एंड रिस्क पॉइंटर्स क्या है एंड द स्टोरी विल बिकम मच मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एंड दिस इज द रीजन वाई वी मेक videos at SYC. So this was a video on Westlife Food World and अभी हमने consumption businesses के अंदर बहुत सारी videos बना ली हैं. That is Titan पे बनाई थी, Varun Beverages पे बना ली हमने, जो मान्यवर है वेदांत फैशन उस पर भी वीडियो बनाई थी, CCL products पे भी बना ली, Radico Khaitan पे भी बना ली. And this was the next business that we have covered in the consumption category because this is a hard category to find businesses in. तो यहाँ पे हमने blog भी लिखे हैं सफारी के ऊपर एंड ट्रेंड के ऊपर, तो यू कैन ऑल्सो रीड आर ब्लॉग्स एंड दिस इज हाउ वी आर कवरिंग द कंजम्पशन सेक्टर. दैट आर की मेंटल मॉडल इज कि हमें डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ या QSR के अंदर हाई सिंगल डिजिट सेम सो सेल्स ग्रोथ तो दिखनी चाहिए, तभी हम उस कंज्यूमर स्टॉक को वील थिंक ऑफ एनालाइजिंग. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपकी जो इस वीडियो से की लर्निंग्स थी डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड इफ यू लव द वीडियो जस्ट ड्रॉप अ लव्ड इट इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन. जय हिंद.